हेलो गाइस, स्वागत है आपका खेली पिजन्स में। तो गाइस अभी देख सकते हैं शाम का टाइम है, अब कबूतर बंद है और कुछ कबूतर खुले भी हैं। इनको उड़ाने के लिए खोल रखा था, तो सुबह उड़ाया था और उतरे हैं ये अभी, आधी एक घंटा हो रहा है। और भाई दो से तीन कबूतर अपने कल भाग भी गए थे और वो भी अभी तक रिटर्न नहीं आए। अभी बड़े वाले लॉफ्ट में आपको दिखाते हैं, पहले इसका ये खोल देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि अपना फुलसीरा नर बैठा है, ये अकेला है और इस पूरे दरबे में कोई नहीं है। देख सकते हैं बड़े लॉफ्ट में ऊपर भी देख लीजिए, कहीं भी कोई नहीं। यहाँ पे तीन तीन कबूतर होते थे लेकिन ये अभी अकेला बैठा है, क्योंकि भाई यहाँ पे दो, एक हर्रा था एक कासमी था, दोनों भाग गए हैं। कल भागे थे, अभी तक रिटर्न नहीं आए, तो इन लोग खोल देते हैं भाई, क्योंकि इनका टाइम भी हो गया है। तो ईटा को जो है इधर लगा देते हैं और ये भी खोल देते हैं, इन लोग को बाद में आने देते। और भाई यहाँ पे देख सकते हैं अपने कल धुम्मी, इसको भी उड़ाए थे, ये भी बहुत अच्छी उड़ान दी है। और इसको भी खोल देते हैं। तो गाइस अभी अपने सारे कबूतर खुल चुके हैं, तो इस वाले टब में जो है पानी भर देते हैं। ठीक है, पानी फेंक दिया तो मैं गंदा हो गया तो बहुत ज्यादा, तो इसमें पानी भर देते हैं, फिर इन लोगों को दाना पानी। तो गाइस अभी इन लोगों के लिए पानी रख दिया, कुछ ये देख सकते हैं पानी पीने जा रहे हैं, तो इन्हें अभी दाना दे देते हैं। यहाँ पे दाना है थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दाना है। ये देखो गाइस ये लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, इन्हें दाना देते आओ आओ आओ। जब तक ये खा रहे तब तक ये पूरा मैं दाने से भर के लेके आता हूँ। यहाँ पे देखते हैं ये भी आ गया अपना लाल दुबाच। तो गाइस अभी ये पूरा दाने से भर दिए हैं, तब इन लोग देते हैं, भाई बहुत भूख लगी है। तो गाइस अगर आप भी कोई कबूतर पकड़िए या कोई कबूतर नया लेके आइए, तो उसको पहले 10 से 15 दिन अपने छत पे छत का पक्का कीजिए, ताकि वो भाई जब हाई फ्लायर के साथ उड़े तो इधर उधर भागे ना। क्योंकि भाई मैं क्या किया था, उसको 5 दिन हुआ था उस कबूतर को, और मैं उसका पर खोल के तुरंत हाई फ्लायर के साथ उड़ा दिया था, जितने हाई फ्लायर कबूतर हैं उनके साथ उड़ा दिया था, वो आसमान में जाके भाग गया। ठीक है, पहले यहाँ पे उड़ रहा था, कम से कम 1 बजे तक मुझको दिखा था वो कबूतर, सुबह के 9 बजे उड़ाया था, 1 बजे तक दिखा था, उसके बाद से नहीं दिखा, वो भाग ही गया। तो वैसे अगर आप भी कोई ऐसे कबूतर पकड़िए या कोई हाई फ्लायर कबूतर लेके आइए, तो उसको भाई पहले अपने लो फ्लायर कबूतरों के साथ उड़ाइए। ठीक है, क्योंकि लो फ्लायर भी रखना जरूरी रहता है कबूतर पकड़ने में, और कोई हाई फ्लायर कबूतरों को अपने छत पे पक्का करने में लो फ्लायर बहुत काम में आते हैं। वो 2 से 3 राउंड मारते बैठ जाते हैं, उसको देख के हाई फ्लायर जो कबूतर आएगा आपको, जो आप खरीदे या पकड़े हैं, वो भी बैठ जाएगा। इसलिए गाइस सिर्फ हाई फ्लायर कबूतर नहीं रखने चाहिए, लो फ्लायर भी रखने चाहिए। लो फ्लायर बहुत काम में भी आते हैं, जैसे कि अभी आपको बता दें, कोई भी हाई फ्लायर कबूतर उनके साथ उड़ाएंगे तो अगर हाई फ्लायर ऊपर भी जाएगा तो लो फ्लायर नहीं जाएंगे, वो उसको देख के हाई फ्लायर लो फ्लायर को देख के नीचे आ जाएगा और अपने छत पे आके बैठ जाएगा। ऐसे ही गाइस अपने हाई फ्लायर कबूतर को, या तो जो आपका बहुत ज्यादा उड़ने वाला कबूतर है, उसको ऐसे ही 2 से 3 बार अपने छत का राउंड लगवाने दीजिए 3-4 दिन। ठीक है, उसके बाद उसको उड़ाइए हाई फ्लायरों के साथ, वो आसमान में भी जाएगा और छत पे भी आएगा, वो कहीं नहीं भागेगा। और गाइस देख सकते हो अपने सारे कबूतर दाना पानी करके इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ पे जोड़ खा रहे हैं आधे कबूतर, वहाँ पे मिट्टी खा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो अपने ब्रीडिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ अपने कबूतरों का। यहाँ पे देख सकते हो अपना जो पट्टा है वो दाना खिला रहा है अपने बच्चे को, यहाँ पे देख सकते हो वो बच्चा उसे मांग रहे दाना, ये देखो। चलो इसको खिलाने देता हूँ। यहाँ पे भाई अपने सान पुनिए, यहाँ पे अपनी पंजाबी का बच्चा था वो भी मर गया, डेड हो गया उसको वो। और यहाँ पे अपने दोनों कल्लू कबूतर जो थे वो बैठे हैं अंडे पे, यहाँ पे देखते यहाँ पे अंडा है। तो गाइस यही था अपने घर का ब्रीडिंग प्रोसेस। चलो गाइस आज की वीडियो पसंद आई तक की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चलो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।